हमेशा अबव एंड और को यूज करते वक्त कंफ्यूजन रहती है कि किस टाइम हम अबव यूज करेंगे एंड किस टाइम हम और यूज करेंगे, और अक्सर टेस्ट में और जो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट आते हैं उसमें भी कंफ्यूजन होते हैं कि अबव हम यहाँ पे यूज करें या और। तो आज की इस वीडियो में ये कंफ्यूजन मैं दूर करने जा रहा हूँ आपकी, क्योंकि अबव एंड और को आज हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी हर कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे और इनको समझेंगे कि मतलब एजेस हो या टेम्परेचर हो या हाइट हो या मेजरमेंट हो, कुछ भी हो, तो अबव कहाँ लगाना है और कहाँ पे लगाना है। तो आपने करना सिंपल क्या है, वीडियो के आखिर तक देखनी है। अगर आप वीडियो में से थोड़ी भी तो इसको मिस करते हो तो फिर आपको क्लियर नहीं हो जाएगा, तो इसलिए आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो एबो एंड और में क्या डिफरेंस है और किस यूज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, एबो इंडिकेट्स अ पोजीशन हायर देन समथिंग। अब एबो वो पोजीशन शो करता है जो किसी चीज से थोड़ा हाइट पे हो, तो ये तो सिंपल बात है, आपकी मोटी मोटी बात आ गई जहन में, ठीक है सर, हाँ हो गया, ठीक है, मतलब ये बात समझ में आ गई कि वो पोजीशन या वो जगह जो किसी दूसरी जगह से थोड़े हाइट पे हो तो उसके लिए हम एबोव यूज करेंगे। ओके, अब और कब कैसे यूज करेंगे, और यूज करने से पहले मैं थोड़ा एबोव के बारे में बताता हूं और उनको एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके बाद मैं अबव एंड और के बीच डिफरेंस बताऊंगा कि अबव एंड और के बीच क्या डिफरेंस है एंड अबव कहां लगाना है एंड और कहां लगाना है। तो इसलिए आखिर तक रखिए, वीडियो स्किप ना करें। ओके, तो एग्जाम्पल थोड़े देखते हैं। एग्जाम्पल में यहां पे पहले द बर्ड्स फ्लू अप अबव द ट्रीज, अबव द ट्रीज, तो यहां पे अबव लिखा, तो मतलब इसका क्या है कि जो परिंदे है वो दरख्तों के ऊपर से उड़ रहे हैं या उड़ गए, ठीक है। तो ये जो अबव यूज होगा तो ये इसका यूजेज सही है, तो ये ट्रीज क्या है उसके ऊपर वो परिंदे उड़ गए तो अबव यूज हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, द सन रोज अबव द होराइजन, तो सन रोज अबव द होराइजन, तो होराइजन के अबव क्या हमारे साथ सनराइज हुआ, तो ये अबव क्या हुआ, ये उसको शो करता है क्योंकि वो हाइट है थोड़ा उसके ऊपर है होराइजन के ऊपर, तो इसलिए अबव यूज हुआ। अब नेक्स्ट में देखिए, शी इज She is above average intelligence. अब देखिए इसमें बता रहा है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल से अबव है, ठीक है, नॉर्मल से मतलब उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है, ठीक है। जो शी इज अबव एवरेज इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस उसकी काबिलियत एवरेज नहीं बल्कि एवरेज से बढ़कर है, तो ये अबव उसके लिए यूज हुआ है। योर नेम कम्स अबव माइन ऑन द लिस्ट, तो कोई लिस्ट लगा है, ठीक है, उसमें आपका नाम आ रहा है, ठीक है, या मेरा फॉर एग्जाम्पल नाम आ रहा है और मैं किसी दूसरे बंदे को बता रहा हूं कि मेरा जो नाम है वो आप लिस्ट में आपके नाम से ऊपर है, तो उसके लिए भी अबव यूज हुआ है। तो ये तो इनकी रहे यूज अबव के। अब देखिए अबव एंड और में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कॉमन चीजें इन दोनों में क्या है, कॉमन चीजें भी सीखेंगे, कॉमन क्या है एंड डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले देखिए अबव एंड और, द हेलीकॉप्टर हॉर्ड और आर अबव द बिल्डिंग, क्योंकि अबव एंड और दोनों सेम भी यूज हो सकते हैं, दोनों हाइट के लिए किसी चीज की किसी पोजीशन के ऊपर अबव के लिए या जो हायर पोजीशन हो उसके लिए ये दोनों यूज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हेलीकॉप्टर हॉवर्ड अबव और ओवर द बिल्डिंग, तो यहाँ पे हॉवर्ड मतलब चक्कर लगाना उड़ना, तो बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर तो आप ओवर भी लगा सकते हैं एंड अबव भी लगा सकते हो, ये दोनों कॉमन भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा द वाटर केम अप अबव और ओवर द ईज, तो मतलब ये घुटनों से पानी ऊपर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे अबव और आवर लगाया गया है या लिखा गया है, तो इससे मतलब ये कि अबव एंड आवर दोनों क्या शो करते हैं हमारे साथ, एक पोजीशन जो कि हायर पोजीशन हो किसी दूसरे पोजीशन से, और बाद जगहों पे ये दोनों एक साथ पे लगाया जा सकते हैं। अब जो मेन बात है आवर की करते हैं कि और अबव कौन से डिफरेंस सिचुएशन में हम लगाएंगे और वो डिफरेंस सिचुएशन कौन से हैं, तो आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, स्किप नहीं करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अबव को हम कब प्रेफर करेंगे एंड आवर को कब हम प्रेफर करेंगे, तो अबव को हम उस टाइम प्रेफर करेंगे, अबव इज प्रेफर्ड व्हेन वी वांट टू मीन दैट वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली आवर इन नजर, तो ये बात में याद रखिए, नॉट डायरेक्टली आवर इन अदर थिंग, जब कोई चीज दूसरी चीज पे डायरेक्टली ना हो तो उसी टाइम हम अबव को प्रेफर करेंगे और हम उस टाइम नहीं लगाएंगे। जैसे कि देयर इज अ स्मॉल कॉटेज अबव द लेक, तो ये जो लेक मतलब ये तो इसका मतलब कि जो कॉटेज है वो लेक के ऊपर होगा, नहीं, बट इनडायरेक्टली ये बात हो रही है, डायरेक्टली ये नहीं कह रहे, मतलब थोड़े साइड पे या किनारे पे या थोड़ी हाइट पे जो उसके साथ साइड किनारा है वहां पे क्या है मतलब कॉटेज है लेक के साइड पे, तो यहां पे लिखा है देयर इज अ स्मॉल कॉटेज अबव
अबव यूज हुआ है ना, अबव, तो इस अबव का तो मतलब ये नहीं कि ये नहीं कि ऊपर होगा, बट इसका मतलब ये कि वो थोड़े साइड पे होगा, या इनडायरेक्ट, या इनडायरेक्टली इसको कहा गया है अबव। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लेंगे, अबव, जब हमारे साथ बात किसकी हो, नॉट डायरेक्टली और अनदर थिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यूज कब होगा, किस और किस टाइम में हम इसको प्रेफर करेंगे। अबव यूज इन मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर, हाइट, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, वेयर वी थिंक ऑफ आवर वर्टिकल स्केल। तो जब हम टेम्परेचर को, हाइट को, या इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस जो है उसको हम मेजर करेंगे, तो उस टाइम पे भी हम अबव यूज करेंगे, यहाँ पे हम वर्टिकल स्केल यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मिल गया, द टेम्परेचर नेवर रोज अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस ये हमारे साथ टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाया, अबव लगाया गया। तो ऐसे हालात में भी आप क्या करेंगे, अबव को प्रेफर करेंगे जब आप टेम्परेचर, हार्ट, इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे। अब ये तो रही अबव एंड और अबव के बारे में कि अबव किन किन हालात में हम प्रेफर करेंगे। अब और को देखते हैं कि और को हम किस किन हालात में प्रेफर करेंगे। गर्मी है, पसीना तो आ रहा है, सो मैं इतने मेहनत, इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी लाइक तो कीजिए इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंड आवर को देखते हैं। आवर को देखते हैं, देखिए और हम कब प्रेफर करेंगे, और को हम कब लगाएंगे। तो और इज प्रेफर्ड व्हेन वन थिंग कवर्स एंड आर टचेस अनदर। जब एक चीज दूसरी चीज को टच कर रही हो तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, और को प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मतलब ही पुट ऑन अ कोट और हिज शर्ट, He put on a coat और his shirt, तो यहाँ पे और लगाया गया है। तो कोट तो शर्ट है, शर्ट के ऊपर ही मतलब कोट को हम पहनेंगे, तो कोट उसको टच कर रहा है। तो ऐसे पोजिशन या ऐसे हालातों में हम क्या और को प्रेफर करेंगे। There was cloud over the city, तो सिटी के ऊपर क्या थे, क्लाउड्स थे। तो क्लाउड सिटी को मतलब टच करती है, बाज अवकात वो उनके साथ अटैचमेंट उसकी होती है कहीं ना कहीं जगह पे, वो उसको टच करते हैं, तो इसीलिए और वहां पे लगाएंगे। तो ऐसे पोजिशन, ऐसे जगहों पे जहां पे कोई सरफेस या कोई चीज दूसरे के साथ टच हो रही है, तो वहां पे हम और प्रेफर करेंगे, अबव को नहीं लगाएंगे। ओके, और इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट एजेस एंड स्पीड्स एंड टू मीन मोर देन। मतलब जब हम एजेस या स्पीड्स के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम भी हम और को यूज करेंगे, वो प्रेफर करेंगे, उसको लगाएंगे। और जब कोई चीज मतलब मोर, कुछ ज्यादा दिखाना हो या ज्यादा बताना, तो उस टाइम भी हम और को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बी आवर 18 टू सी दैट फिल्म, तो यहाँ पे आवर 18 लगाया गया है। यू हैव टू बी आवर 18 टू सी दैट फिल्म, तो यहाँ पे 18, तो 18 क्या है, हमारे साथ एज है, तो मतलब वो फिल्म देखने के लिए आपको 18 की उम्र से ज्यादा होना या बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे और लगाया गया है, तो इसे समझ आएगा कि और को हम एजेस के साथ किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, देयर वर और 50 पीपल एट द मीटिंग, और 50, तो और 50 मतलब 50 से ज्यादा मेदार में थे। तो 50 से जब ज्यादा मेदार में थे तो उस तरह, इसलिए हम यहाँ अबव नहीं लेंगे, यहाँ और को प्रेफर करेंगे। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, और एंड अबव को लगाना है और इसका ख्याल रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक और बात जहन में बताना चाहता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है डॉक्टर मोहम्मद सनान, तो आप जाके मिलें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में डॉक्टर मोहम्मद सनान। अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर क्यों लिखा है, मैं खुद MBBS स्टूडेंट हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर डॉक्टर हूँगा, तो इसलिए मैंने डॉक्टर मोहम्मद सनान लिखा है। तो वहाँ पे मैं मुख्तलिफ पोस्ट करता हूँ अपने जो मेरे चाहने वाले, उनके साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं बातचीत करता हूँ, और मैं मुख्तलिफ पोस्ट करता हूँ, और आप वहाँ भी मुझसे सवालात कर सकते हो टॉपिक्स के बारे में, या डॉग जो मेडिकल फील्ड के हवाले से भी आप मुझसे सवालात कर सकते हो। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ओके, ये जो इसके अलावा जो आपको मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने ये वीडियोज नहीं देखे, ये टॉपिक आपको नहीं आते, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मुझे दुआ में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर विद सनान को, और बिल आइकन को दबाएं मजीद फ्री इंग्लिश ग्रामर वीडियो सबसे।